दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको तो पता ही है जैसे कि हम सारे AWPL से जुड़े हुए हैं। AWPL यानी SLEPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें काम करने का पूरा तरीका और लोगों को समझाने का तरीका जो है मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है, किस तरीके से आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना है, किस तरीके से सस्पेक्टिंग करना है, किस तरीके से इन्विटेशन करना है, किस तरीके से प्लान शो करना है और किस तरीके से फॉलोअप करना है और किस तरीके से रिजल्ट निकालना है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि एक इंसान जो होता है जिसको आप बोलने वाले हैं ये प्लान, हो सकता है कि वो एक फ्रेशर है, उसके इतने बड़े बड़े सपने नहीं हैं, उसको ना ही BMW की ज़रूरत है, ना ही कभी ऑडी उसने देखा है, ना ही उसको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो एक इंसान के अंदर सपना जगाना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान के सपने होंगे तभी तो वो आपके साथ आएगा, जब इंसान कुछ सोचेगा तभी तो आगे काम करेगा, नहीं तो वो तो सेटिस्फाइड है अपने 15 से 20 हज़ार की नौकरी में, 30 हज़ार की नौकरी में ही सेटिस्फाइड, सो उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले ज़रूरी है उसका, सबसे पहले क्लियर द नाइट, सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए कि सर आपको और भी कुछ करना है। आप एक दिन में 1000 रुपये तो कमा रहे हो, सही बात है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जहाँ पे आप एक दिन में 1000 नहीं बल्कि एक दिन में कोई एक ऐसा बंदा आप अपने साथ जोड़िए या एक ऐसा बंदा आप अपने पास रखिए जो आपके लिए वो बंदा काम करे और वो आपके लिए 1000 रुपये नहीं बल्कि 1 लाख रुपये का आपको काम करके दे, वो भी एक बार नहीं बार बार। इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। सो एक ऐसा फील्ड है सर जहाँ पे आप अपना पैसा, अपना समय और अपना टैलेंट, ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कि सबसे पहले आपको जो है सस्पेक्टिंग करना है। आप सब सस्पेक्ट ढूंढिए किस किस को आप ये प्लान बताना चाहते हैं, ठीक है। सस्पेक्टिंग करने के बाद आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, आप उससे बात कीजिए, उसको बोलिए कि सर मैंने एक बहुत अच्छा बिज़नेस ज्वाइन किया है जहाँ पे पार्ट टाइम में 15 से 20 हज़ार रुपये हम कमा सकते हैं और आप एक बार समय निकालिए, मेरे सर हैं, मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा। तो आप उनको ये बोल सकते हैं, फिर वो पूछेगा कि कैसा बिज़नेस है, क्या काम है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कंपनी का नाम क्या है। तो आप उनको बोलिए क्या है नाम, क्या है कंपनी का नाम और क्या करते हैं हम काम और कितना मिलेगा दाम, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालिए। 5 से 10 मिनट में तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी, 5 से 10 मिनट में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालिए और अपने ज़िंदगी का 15 से 20 मिनट आप निकालिए, हमारे एक सर हैं उनसे हम बात करवा देंगे। तो यहीं पर आपकी प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन दोनों हो गई। प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है शो द प्लान। शो द प्लान एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप एक बीज लगाते हैं, आप बीज को लगाते हैं, फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद आती है बारी फॉलोअप की जहाँ पे आपको फसल काटना है ना। तो सबसे पहले आपने बंदे के अंदर ड्रीम जगाया, बंदे को आपने बोला कि सर आप कमा सकते हो यहाँ से, आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, आप महीने में कम से कम 20 से 30 हज़ार पार्ट टाइम करके एक्स्ट्रा अर्निंग करके। फिर उसके बाद बंदे को आपने इन्वाइट किया, टाइम निकलवाया और टाइम निकलवाने के बाद आपने सर से बात करा दीजिए। फिर आती है प्लान की बारी। तो जब आप प्लान बताने वाले होते हैं तो प्लान में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट प्लान में 3 P फॉलो करना है। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा चीज़ कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा चीज़ कंपनी का पे आउट प्रोसेस। 3 P's पे आपको काम करना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, पे आउट। तो कंपनी का प्रोफाइल बताइए कि सर ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम SLEPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, आज से 6 साल पहले ये लॉन्च हुई थी सन 2014 में और सन 2014 से ये रनिंग है। इसका दिल्ली में हेड ऑफिस है, द्वारका में, द्वारका सेक्टर 13 या सेक्टर 14, जो भी आप वहाँ पे एड्रेस बताइए। एड्रेस बताने के बाद जो आप बोलिए कि सर SLEPS जो है इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है जहाँ जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग अपनी ड्रीम कार्स अचीव कर चुके हैं, हज़ारों से ज़्यादा लोगों ने अपना ड्रीम हाउस बना चुके हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो दिन रात प्रतिदिन हर महीने कम से कम 5 से 10 लाख रुपये की अर्निंग कर रहे हैं। तो ये कंपनी का प्रोफाइल है और हमारी कंपनी जो है बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है, ठीक है, चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जीत चुकी है। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संजीव सर, उनका फोर्ब्स www.forbesindia.com पे जो है उनका नाम आ चुका है। तो चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, हर साल इंडिया में केवल 26 लोगों को दिया जाता है, जिसमें से हमारे जो MD सर हैं मिस्टर संजीव सर, उनको एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए उनको मिला है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है IDSA से रजिस्टर्ड है, FDSA से रजिस्टर्ड है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, आयुष मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड है, इतने सारे कंपनी से रजिस्टर्ड है, आप ये बता सकते हैं। साथ ही साथ उनको ये बता सकते हैं कंपनी के प्रोफाइल में कि हमारी कंपनी जो है 3 वेयर हाउसेज हैं और जयपुर में इसके सारे वेयर हाउसेज हैं,
और कंपनी ने अभी रिसेंटली 70 करोड़ का एक वेयर हाउस खोला है, जयपुर में लॉन्च किया है, जहाँ से प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना है लोगों को। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, दो ही मोटो है, एक है बीमारी और एक है बेरोजगारी। बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से मिटाना है। तो बीमारी तभी दूर होगी जब अच्छे प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करेंगे, जब उनको रिजल्ट मिलेगा, और बेरोजगारी तो अपने आप ख़त्म हो ही जाएगी जब लोग अपने साथ आएंगे, जुड़ेंगे, काम करेंगे और एक दूसरे को रेफ़र करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही। तो कंपनी के प्रोफाइल में ये सारी मोटी मोटी बातें आप उनको बता सकते हो, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, MD के बारे में, कंपनी कहाँ से चलती है, कितने वेयर हाउसेज हैं, कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं, और कंपनी कितना पे आउट कर रही है और कितना पे आउट कर सकती है पर वीक। तो कंपनी का जो कैपिंग इनकम है वो है 2 लाख रुपीज़ पर वीक। तो ये कंपनी का कैपिंग अर्निंग है। जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये कंपनी आपको फिक्स अर्निंग दे देती है। हालांकि कंपनी के 7 तरीके के पे आउट प्रोसीजर हैं, जिसमें से कैपिंग वाला अर्निंग भी एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है। तो कंपनी के 7 तरीके के पे आउट हैं, लाइक बाइनरी, देन लेवल अर्निंग, देन कैपिंग अर्निंग, देन रॉयल्टी बोनस, देन उसके बाद रीपर्चेजिंग प्लान, देन उसके बाद तो और भी बहुत सारे तरीके के रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस हैं। तो वो बात की बातें, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्लान में क्या बताना है। ये तो आपने कंपनी का प्रोफाइल बता दिया। प्लान में आपको 3 पार्ट क्लियर करना है, पहले प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है आपका पे आउट प्रोसेस। तो प्रोफाइल में आपने बता दिया, अब आते हैं आपको बताना है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में बोलिए कि सर हमारे पास सारे के सारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, और आयुर्वेद का तो आपको पता ही है सर आज के डेट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जो भी चीज़ खाते आए हैं या खा रहे हैं वो सब टॉक्सिक चीज़ें हैं, और सब टॉक्सिक चीज़ें आज तक हमने जो खाए हैं उसको निकालना भी तो है। कितने लोग सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा, क्या क्या नहीं खाते हैं, है ना। टॉक्सिक चीज़ें लेते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं, उनको निकालना भी है, प्यूरीफाई भी करना है बॉडी में, डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। लेकिन हमारे पास SLEPS के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें लिवोडॉक आता है, डेंटोडॉक आता है, फिर उसके बाद स्टोन डॉक आता है, डाइबोडॉक आता है, ऑर्थोडॉक आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके सर से लेकर पांव तक की किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो वो दूर कर सकती है। और प्लस ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ऑर्गन लेवल पे जाके काम करते हैं। तो ऑर्गन लेवल पे अगर कोई प्रोडक्ट काम करता है और उस बीमारी को जड़ से मिटाने की जो है पूरी कोशिश करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर कोई गारंटी नहीं देते हैं प्रोडक्ट की कि आपकी ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी, क्योंकि गारंटी देना इट्स काइंड ऑफ अनदर थिंग। लेकिन गारंटी हम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ इतना दावा करते हैं, क्योंकि यूट्यूब्स पे हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं लिवोडॉक के रिजल्ट, ऑर्थोडॉक के रिजल्ट्स, एंड देन यू कैन सर्च अबाउट अस्टोन डॉक के रिजल्ट्स, ओबियोडॉक के रिजल्ट्स, ठीक है। तो देर आर हेल लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर विच यू कैन जस्ट गूगल इट और यू कैन यूट्यूब इट। यू कैन जस्ट टाइप देयर लिवोडॉक के रिजल्ट्स, द रिजल्ट ऑफ थंडर ब्लास्ट एंड ऑल। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 15-15 साल शादी के हो गए थे लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, बट आज देखिए उनके घर में आज खुशियां हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चमत्कारी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप यूज़ करके जो है अपने हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं और अपने वेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये उनको बता सकते हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर ड्रीम्स को जगाना है, उनको ये बताना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों है, है ना। देखिए नौकरी से आप सिर्फ केवल दाल रोटी चला सकते हैं। नौकरी एक ऐसी चीज़ है ना कि सिर्फ नौकरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ नौकरी आपको मरने नहीं देगी, नौकरी आपको कभी भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन आपको सक्सेस भी नहीं होने देगी। तो नौकरी इज काइंड ऑफ थिंग, जो आप कर रहे हो अच्छी बात है, 20 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख कमा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या उस नौकरी को करते करते अगर आपकी जान चली जाती है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जान चली जाती है, तो क्या आपके परिवार को सेम वही सैलरी, वही अमाउंट क्या वो कंपनी आपको देगी, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी? तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप आज अकेले हो सही है, लेकिन आपकी टीम में 100 लोग हैं जो हर रोज़ आपको हज़ारों रुपए कमा के दे सकते हैं, जो इन फ्यूचर लाखों रुपए और करोड़ों रुपए कमा के देने का मादा रखते हैं। तो यहाँ पे एक पैसिव इनकम शुरू होता है, यहाँ पे एक नियम है लिवरेज का। लिवरेज इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, आप अकेले हो, आप लोगों को ये चीज़ समझाइए दोस्तों कि आप अकेले हो, आप दिन में चाहे कितना ही मेहनत कर लीजिए, दिन में केवल 8 से 10 घंटा ही काम कर सकते हो। अब 8 से 10 घंटा काम करोगे तो 8 से 10 घंटे वाला ही पैसा मिलेगा आपको, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 महीने में इतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप दिन में 24 घंटे काम करते हो तो 24 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे ना। लेकिन क्या एक आदमी एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक लगातार 24 घंटे काम कर सकता है? नहीं ना। अगर आप 3 दिन तक 24 घंटे काम करोगे ना तो तीसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे, है कि नहीं, समझे? तो इसीलिए दोस्तों हमें सबसे पहले उनको ये समझाना है कि ड्रीम्स,
इंसान के ड्रीम्स बताने हैं कि आपको आगे कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, है ना, या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं भी सही, अपने परिवार के लिए कर लो, खुद के लिए कर लो भाई। जब खुद के लिए करोगे तभी तो देश बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी तभी तो मजबूत होगी जब आप मजबूत होंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन भाई अब सो के ही उठेंगे 10 बजे, तो कौन बढ़ेगा भैया, है ना। तो भाई अपने अंदर ड्रीम जगाओ, सबसे पहले कुछ करने का एक हौसला रखो, और भाई हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किधर नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, घर में क्या परेशानी है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब में लाख संदीप महेश्वरी देख लो, लाख यूट्यूब के मोटिवेशनल चैनल देख लो, तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक आप नहीं निकलने वाले। आप कंफर्टेबल जोन को छोड़िए, एसी वाले रूम से निकलिए, ठीक है, मैं भी एसी में बैठा हूँ, एसी वाले रूम से निकलिए, बाहर धूप में पसीना बहाइए, चाहे आप नौकरी करके पसीना बहाओ, चाहे आप कुछ भी करके, लेकिन आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है, वह बलिदान। जो बंदा बलिदान दे सकता है ना, वो बंदा सक्सेस होता है। और एक और बात बताता हूँ दोस्तों, जो आर्मी में स्पेशल फोर्सेज होते हैं, 9 स्पेशल फोर्स रेजिमेंट या फिर 9 पैरा स्पेशल फोर्स रेजिमेंट, जो भी पैरा कमांडोज होते हैं, उनके पास एक बैच होता है यहाँ पे, जिसको कहते हैं बलिदान बैच, उसका नाम ही है बलिदान बैच। तो वो जो रेड बैलेट और जो बलिदान बैच मिलता है ना, ये ऐसे वैसों को नहीं मिलता है, और ऊपर एक पैराशूट का लोगो भी होता है, जो वो पैराशूट जंप्स करने पे मिलता है। तो उस बलिदान बैच का मतलब क्या है, मतलब यही है कि उन्होंने बलिदान दिया है, खून पसीना एक किया, तब जाके उनको ये बैच मिला है। 100 किलोमीटर की रन करनी होती है उनको, 4 से 5 घंटे में, आई थिंक, आप गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब कर लेना, आपको दिख जाएगा। 100 किलोमीटर की रन करने के बाद वो बंदा पास करता है, बलिदान बैच उसको मिलता है। तो भाई हमें सक्सेस होना है, ऑडी लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, बलिदान तो देना पड़ेगा ना। आप आशिकी भी करोगे, एसी वाले रूम में भी रहोगे, सिंचैन डोरेमोन भी आप ही देखोगे, है ना, और फिर उसके बाद ला लीगा भी आप ही देखोगे, फुटबॉल मैच, और फिर उसके बाद आईपीएल भी आप ही देखोगे, दुनिया के, समाज के, घर के काम भी आप ही करोगे, तो फिर तो मिल जाएगी सफलता। फिर तो सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको खुद का सेल्फलेस, शेमलेस सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे पैसे हैं नहीं हैं, आप अगर रेंगने वाली हालत में हैं तो रेंगिए, चलने वाले हालत में तो चलिए, दौड़ने वाले हालत में तो दौड़िए, लेकिन रुकिए नहीं, ठीक है। तो लोगों के अंदर सबसे पहले सपना जगाइए कि वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से पैसे आ सकते हैं, उनके अंदर सपना जगाइए। दूसरी चीज़, उनको एक रास्ता बताइए कि सर एसलीपीएस नाम का एक फील्ड है जहाँ से आप अपने हेल्थ को ठीक करके वेल्थ भी कमा सकते हो। तीसरी चीज़, मैं आप उनको ये बोलिए कि सर यहाँ पे एक बाइनरी प्रोसेस है जहाँ पे आपको सिर्फ ज्वाइन होना है। सबसे पहले उनको बोलिए ज्वाइनिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता, यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो, आधार कार्ड का फोटो और बैंक के पासबुक का एक फ़ोटो चाहिए होता है, वो आप भेज दीजिए, आपकी एक रफ आईडी बन जाएगी। रफ आईडी बनने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक परचेजिंग प्लान है। आप पैसा दोगे, आपको सामान मिल जाएगा 7 से 8 दिन के अंदर अंदर, आईडी ग्रीन हो जाएगी। आईडी ग्रीन होने के बाद आपका सिर्फ काम इतना ही है कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारी बात करा दीजिए, आप अपने दोस्तों को ज्वाइन कराइए इस बिज़नेस में। लेकिन शुरुआत में आप काम मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको काम करना नहीं आएगा, हमारे सर हैं, दे विल गाइड यू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 फेज़ में काम करना है, सीखिए, सिखाइए, पैसा कमाइए, सीखो, सिखाओ और पैसा कमाओ। तो सबसे पहले आप ज्वाइन हो जाइए, आपकी आईडी ग्रीन होने दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट आने दीजिए, ठीक है। एसलीपीएस में ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे 8,000 और 15,000 का पार्सल है, 8,000 और 15,000 में आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट मंगवाने के बाद 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आप पूरा काम सीख लीजिए, कैसे करते हैं इन्विटेशन, कैसे देते हैं प्लान, कैसे लोगों को समझाना है। फिर उसके बाद जो है लोगों को आप मोटिवेट करके लाइए, उनको ज्वाइन करवाइए, उनको ये बोलिए कि भाई बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं हम लोग, ठीक है। नौकरी में हम सिर्फ दाल रोटी कमा सकते हैं, नौकरी से ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ बहुत कम लोगों को ही मिलता है, और मिल भी जाएगा ना तो वो दूसरों को दिलवा नहीं पाएगा। लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा है, आप भी ऑडी मर्सिडीज़ खरीद सकते हो 2 साल के अंदर अंदर, प्लस आप हज़ारों लोगों को खरीदवा सकते हो, तो महान बनने का मौका भी है, प्लस आप एक सोशल वर्क भी कर रहे हो, सामाजिक काम भी कर रहे हो, आप एनजीओ वाला काम भी कर रहे हो, किसी के घर में पैसा पहुंचाने वाला भी काम कर रहे हो, प्लस आप उसको हेल्थ अवेयरनेस भी कर रहे हो, उसका हेल्थ भी ठीक कर रहे हो। देखिए, दान पुण्य करके सिर्फ आप एक दिन कमा सकते हो अपने अंदर का रुतबा या अपना फेस वैल्यू या अपना जो भी, मंदिर में करोगे दान पुण्य, मस्जिद में करोगे दान पुण्य, या गरीब लोगों को एक दिन 2 दिन खिला दोगे,
तो वो उस महीना या उस दिन आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक नेटवर्किंग करोगे ना, हर रोज़ आपको खुशी मिलेगी, हर रोज़ आपको पुण्य मिलेगा। अगर आपको पुण्य एक दिन कमाना है तो एक दिन दान कीजिए, दो दिन दान कीजिए, एक महीना दान कीजिए, उसी महीने उसी दिन आपको मिलेगा पुण्य, ठीक है। लेकिन अगर आपको हर दिन, हर रोज़, हर साल पुण्य कमाना है, हर वक्त पुण्य कमाना है ना, तो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कीजिए और SLPS को ज्वाइन कीजिए। SLPS को ज्वाइन करने के बाद आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको आप दिन रात उनके पीछे लगे रहेंगे, काम करेंगे, उनको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और वो अगर आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आप उनके नज़रों में महान बन जाएंगे, उनके परिवार वालों के नज़रों में महान बन जाएंगे, और वो लोग ज़िंदगी भर तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लोगों को बताइए, उनको समझाइए कि भाई नौकरी में आप अकेले काम करते हैं ज़िंदगी भर, 15 से 20 हज़ार ही कमा पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, यहाँ पे जैसे जैसे आपके साथ टीम जुड़ती जाएगी वैसे वैसे पैसे भी आएंगे। ज़्यादा कुछ उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही बोलिए कि आप आए, आपके आने के बाद दो लोगों को लेके आते हो तो 1000 रुपये का चेक मिलेगा, वो दो लोग अपने साथ दो दो लोगों को लेके आते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट वाले को 1000 का चेक मिलेगा, आपको मिलेगा 2000 का चेक। आपके नीचे जब 4 लोग हो जाएंगे, वो लोग भी अपने साथ दो दो लोगों को लेके आएंगे तो आपके लेफ्ट और राइट वाले के नीचे वाले लोगों को 1000 का चेक मिलेगा, आपके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट वाले को 2000 का चेक मिलेगा, अब आपको मिलेगा 4000 का चेक। कुल मिला के बात यह है, हर दो बंदे के जुड़ने पे 1000 रुपये का चेक मिलता है। हर दो बंदे के जुड़ने पे, मतलब हर एक जुड़े के जुड़ने पे आपको 1000 रुपये मिलेगा, और जैसे जैसे पेयर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका पैसा डबल होता जाएगा। ये प्रॉपर कैलकुलेटिव प्लान है। अगर आपको कंपनसेशन प्लान पूरा जानना है तो YouTube में मेरे और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये सिर्फ मैं एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ करके देखें तो दो बंदे के जुड़ने पे कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते हैं, ठीक है। 1000 रुपये इंस्टेंटली उसी हफ्ते मिल जाते हैं, और बाकी के 3 से 4 हज़ार रुपये जो एज अ लेवल अर्निंग मिलता है वो आपको महीने के आखिर में मिलते हैं। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ दोस्तों, इस बिज़नेस में 7 तरीके के पेमेंट प्रोसीजर हैं। 7 तरीके के पेमेंट प्रोसीजर कम नहीं होते हैं दोस्तों, बहुत पैसा है यहाँ पे, बहुत पैसा, मतलब इतना पैसा है ना, अकूत धन संपत्ति कमा सकते हो। अकूत का मतलब जानते हो? अकूत का मतलब होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अकूत धन संपत्ति आप यहाँ से कमा सकते हो, बस करना ये है कि भैया लग जाओ काम पे, टेंशन नहीं लेनी है, दुनिया वाले लाख आपको रोकें, लाख टोकें, आप बस जुड़ जाओ बिजनेस में, टेंशन नहीं लेना, बिजनेस आपको लेके जाएगा। हमारे महिपाल सर हैं जिन्होंने कम से कम 6 साल के अंदर अंदर यहाँ से जो है लगभग 10 से 11 करोड़ से रुपए ज़्यादा से अर्निंग की है, 10 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग की है। उन्होंने 2.5 साल के अंदर अंदर उन्होंने जैगवार ले लिया था। आप महिपाल सर AWPL मार के देखिए, यूट्यूब पे आ जाएगा। अमित दुबे सर हैं जिन्होंने 26 साल के एज में उन्होंने एक जैगवार खरीद लिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़्यादा की कार है। आप यूट्यूब में टाइप कीजिए अमित दुबे AWPL विद जैगवार कार, सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। तो ये सारे लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हद तो ये भी है दोस्तों, हमारे इस बिज़नेस में कई लोग ऐसे भी हैं जो कुरियर डिपार्टमेंट में भी थे, डिलीवरी बॉय का काम करते थे, वो तक सक्सेसफुल है। कोई दर्जी था, वो तक सक्सेसफुल है। जब एक फार्मर, जब एक दर्जी, जब एक डिलीवरी बॉय अगर ODBMW ले सकता है, जब एक गरीब परिवार का लड़का झारखंड का रहने वाला, वो मेरे एक्चुअली फ्रेंड भी हैं, सबसे मेन बात तो ये है, वो अगर जैगवार ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते दोस्तों। हमको नेट चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, इंस्टाग्राम चलाना आता है, साला सब चलाना आता है, अगर फिर भी ODBMW लेके नहीं गए ना, तो भगवान या ईश्वर, वो अल्लाह ताला जो है माफ़ नहीं करने वाला। तो दोस्तों सीरियस हो जाइए, यही चीज़ लोगों को बताइए, कन्वे कीजिए, ठीक है। बिज़नेस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आप अच्छे लोगों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। देखिए, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहेंगे पढ़ाई लिखाई आएगी, चोर उचक्कों के साथ रहेंगे चोरी सीख जाएंगे, पंडित के साथ रहेंगे पंडित बन जाएंगे, ठीक है। BPO वालों के साथ रहोगे तो वही BPO वाले ही रहेंगे, ठीक है। एयरलाइंस वालों के साथ रहेंगे तो एयरलाइंस वाली बातें करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग वालों के साथ रहोगे तो बड़ी बड़ी बातें करोगे आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों की शान और शौकत अलग होती है। वो कहते हैं ना कि डायमंड की हर बात निराली होती है, उसकी हर दिन ईद, हर रात दिवाली होती है। तो एक डायमंड के साथ आप दोस्ती कीजिए। अगर डायमंड के पास ऑडी है तो वो आपको बता सकता है ऑडी कैसे लेना है। अगर आपका दोस्त 15,000-20,000 कमा रहा है, वो दोस्त आपको 15 से 20 हज़ार कमाने के लिए बोल सकता है, ODBMW के बारे में नहीं बोल सकता है। तो आप ODBMW जैगवार वालों से दोस्ती कीजिए। दोस्ती नहीं भी होती है तो कम से कम उस पैटर्न में रहिए, उस सिस्टम में रहिए। अगर उन्होंने कमाया है तो आप भी कमा जाओगे। जिसने कमाया ही है 15,000-20,000, तो वो आपको क्या सोच देगा, है ना। कहते भी हैं, आवर लाइफ इज जस्ट रिलेटेड टू 5% ऑफ आर फ्रेंड सर्कल, है ना। आवर लाइफ पैटर्न इज जस्ट सेम एज लाइक
एवरेज ऑफ दी 5% ऑफ आवर फ्रेंड सर्कल। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 5 दोस्त अगर 40,000 कमाते हैं ना, तो आप भी 40,000 ही कमाएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर 5 दोस्त ऐसे हैं जो 15,000 कमाते हैं, तो आप भी 15,000 ही कमा रहे हो। आप अपने बैंक अकाउंट को देख लो, वही होने वाला है आपके साथ, है ना। तो हमारे साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अलग अलग प्रोसेस से बहुत सारे लोग हैं। गूगल प्रोसेस से हैं, TCS से हैं, ठीक है, फिर कॉग्निजेंट से हैं, IBM से हैं, कई लोग कंसेंट्रिक से हैं, कई लोग टेली परफॉर्मेंस से हैं, कई लोग अमेजोन प्रोसेस से हैं, फ्लिपकार्ट से हैं, जियो से हैं, ठीक है, गूगल पे से हैं, फ़ोन पे से हैं, फिर उसके बाद आर्मी से तो हैं ही बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्टेट से भी हैं, तमिलनाडु से हैं, फिर उसके बाद तेलंगाना से हैं, उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, मेरठ से हैं, अंडमान निकोबार से भी हैं कई लोग। तो आप सोचिए, अंडमान निकोबार एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे पूरा सब कुछ रिमोट एरिया है, ओवर द सी सब कुछ होता है। ऐसे ऐसे लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताइए। कंपनसेशन प्लान में जस्ट इतना ही बताइए कि भाई आप आइए, लोगों को ज्वाइन कराइए, आपका पैसा भी यहाँ पे ज़्यादा लग नहीं रहा है। 8,000 रुपये में बिजनेस होता नहीं है। आप अगर एक पुचके का ठेला लगाने जाएंगे, पुचका होता है ना, पानीपुरी का ठेला लगाने जाओगे, वहाँ पे भी आपका कम से कम 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा और पूरा दिन धूप में खड़े होकर पुचका देना पड़ेगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि भाई कोई खरीदने आएगा नहीं आएगा। चप्पल की दुकान भी खोलोगे ना, वहाँ पे भी 1-2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इन्वेस्टमेंट हर जगह पे है दोस्तों, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। 8,000 रुपये देने के बाद आपको पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी, मान सम्मान कमाने का मौका मिल रहा है, देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिल रहा है, 4 पीढ़ियों का बिजनेस मिल रहा है, 1 पीढ़ी का बिजनेस नहीं है। आप मेहनत करोगे, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे तक जाएगा ये पैसा, कितना बढ़िया बिजनेस है, ठीक है। तो दोस्तों आप स्टार्ट करें, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से सीखिए बिजनेस को। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, ठीक है। कहा भी जाता है, जो बंदा IITN नहीं बन पाया, जो बंदा 2-3 लाख रुपए की सैलरी अर्न नहीं कर पाया, जो बंदा आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में अपना नाम मुकाम नहीं बना पाया, या जो बंदा सफल नहीं हो पाया अपने लाइफ में, या जो बंदा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, या जो भी इंसान कुछ बड़ा करना चाहता था अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया, उसके लिए ये दूसरा जीवनदान है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर आप वाकई में IITN बनना चाहते हैं, ठीक है, वैसा वाला IITN नहीं, कॉलेज वाला नहीं, मार्केट के IITN बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर MBA ऑन द फील्ड करना चाहते हैं, ठीक है, MBA वाला कितना कमाता होगा, 50,000-60,000, 2-3 लाख रुपए महीना, उससे भी ज़्यादा कमाते होंगे लोग, लेकिन यहाँ पे आप 34-35 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, और आने वाले टाइम में तो 34-35 लाख आप दिन में भी कमा सकते हो अगर आप सही से काम करना सीख जाओगे तो। क्योंकि एक नेटवर्कर कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप प्राइवेट जेट तक खरीद सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, जिन लोगों ने प्राइवेट जेट तक खरीदा है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, उनके लीडर हैं मिस्टर मुकेश कोठारी जी, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मुकेश कोठारी जी ने एक प्राइवेट जेट खरीदा है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर सोचिए, एक बंदा प्राइवेट जेट भी खरीद सकता है। ऑडी BMW तो छोड़ दीजिए, ऑडी BMW तो यहाँ पे लोग आलू मटर प्याज खरीदते हैं ना, वैसे खरीदते हैं यहाँ पे लोग, सर्च कर लेना, दिख जाएगा आपको, www.sleepswellness.com सर्च कीजिए, 5 बार एंटर मार के अंदर घुसिए साइट में, आपको नीचे दिख जाएगा पूरा बैनर, कितने लोगों ने क्या क्या कमाया है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको यकीन नहीं हो ना, तो एम परिवहन नाम का एक एप्लीकेशन आता है, कार का नंबर प्लस आप एप्लीकेशन में वो नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, उन लोगों का नाम और नंबर देख लेना, मैच कर लेना, आपको दिख जाएगा कार का नंबर भी। कई लोग कहते हैं कि भाई झूठ है सब, तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप अगर इंजीनियर बनते हैं तो आप देख लेना भाई। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत इंजीनियर बन के देख लिया, बहुत दिमाग लड़ा के देख लिया, कुछ होता नहीं है, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है दोस्तों। 8,000-20,000-15,000 में कुछ होता नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। आपके हाथ में जो इस वक्त फ़ोन है ना, वो फ़ोन की कीमत 8,000 से ज़्यादा की है दोस्त। और अगर आपका फ़ोन गुम हो गया ना, आप 1 दिन रोगे, 2 दिन रोगे, 3 दिन रोगे, लेकिन 4th दिन दोबारा फ़ोन खरीद के ले आओगे, चाहे वो शायद फ़ोन 1+8 हो सकता है, 1+8 Pro हो सकता है, या फिर एप्पल हो सकता है, या फिर नहीं होगा तो OPPO, VIVO तो आप खरीद ही लोगे, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक फ़ोन अगर गुम हो जाएगा ना, उस फ़ोन को आप दोबारा खरीद के ले आओगे, लेकिन 8,000-15,000 में यहाँ पे आप ज़िंदगी बदल सकते हो, ज़िंदगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिंपल है, लोगों के सपने जगाओ, लोगों को प्लान समझाओ, ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट ये समझाओ। ज़्यादा नहीं होता है तो उनको लिंक भेज दो, ठीक है, मेरे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक भेज दो,
और तीसरी चीज़ मैं आप क्लोजिंग करूँ। क्लोजिंग में आप ये बताइए कि सर आप स्टार्ट कीजिए, आप पैसों का जुगाड़ कीजिए, अगर पैसों के जुगाड़ नहीं हो रहा है तो आप वेट कीजिए, थोड़े दिनों बाद दे देना, लेकिन आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो दे दीजिए, हम एक रफ आईडी बना देते हैं। रफ आईडी बनाने का फ़ायदा ये है ना कि रफ आईडी बनाने के बाद आप शायद बिजी हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे हर वक्त हर सेकंड कोई ना कोई ज्वाइन हो रहा होता है, तो हम उसके नीचे आपकी आईडी डाल देंगे। तो जब हम आपकी आईडी बनाने के बाद उस बंदे को आपके नीचे डाल देंगे, और वो बंदा अगर 100 लोगों को ज्वाइन करवा देता है तो बैठे बैठे आपके जो अर्निंग हो जाएगी 1 लाख रुपए की हो जाएगी बैठे बैठे, तो आपके लिए आधा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप आइए। और इस बिज़नेस में कहा भी जाता है गधे भी पंजेरी खाते हैं। गधे भी पंजेरी खाते हैं का मतलब होता है कोई नहीं करने वाला।